चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है? क्या है एक बार देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो हमें कितना गिवन है, यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट दे दिया है हैविंग मास m एंड दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग कांस्टेंटली, ठीक है? सो फॉर सपोज मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास हो गया m, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंटली मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, ठीक है? फर्दर हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। सो बेसिकली क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि अगर मुझे इस मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना है, रेस्ट पे लेके आना है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, रेस्ट पे चाहिए फॉर सपोज, ठीक है? तो क्या होगा, कितना वर्क डन हमें करना चाहिए? तो सबसे पहले हमारे लिए जो यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है वो ये कि हमें मास एंड वेलोसिटी गिवन है एंड हमें इम्पोर्टेंटली ये पता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग। तो मूविंग ऑब्जेक्ट में मास वेलोसिटी, अभी तक आपके पास जल्दी से हिंट आ जाना चाहिए था और मेरे कमेंट सेक्शन में तो डेफिनेटली आ जाना चाहिए कि मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या होता है, कितना उसका एनर्जी होता है। इट हैज काइनेटिक एनर्जी एंड दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि मुझे मास भी गिवन है, कांस्टेंट वेलोसिटी भी गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है? बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। जो मूव कर रहे हैं उसके अंदर कितना वो एनर्जी उस वक्त पे पोजेस करता है। बट अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है कि अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना है तो मुझे कितना वर्क डन करना चाहिए। तो क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जैसे ही वो आएगा उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स कि जितना हमारा काइनेटिक एनर्जी है उतना ही हमें उस पर वर्क डन करना है इन ऑर्डर टू मेक इट स्टॉप, ठीक है? अगर मुझे अपने ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना है, रेस्ट पे लेकर आना है, तो जितना एनर्जी वो कंज्यूम करके या फिर पोजेस करता है उतना ही वर्क डन उस पे होगा और तब जाके हमारा ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या सीखा है कि वर्क डन होना है, वर्क डन टू ब्रिंग इट टू द रेस्ट, ठीक है? बेसिकली मेरे ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर लाने के लिए जो वर्क डन होने वाला है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी के ही इक्वल होगा, ठीक है? सो काइनेटिक एनर्जी कितना है यहाँ पर, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी यूनिट वैल्यूज तो गिवन नहीं है, सिंपली हमें बस क्वेश्चन में कॉन्सेप्शनली ये पूछ लिया गया है कि अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है और उसको हमें स्टॉप करना है आफ्टर अ सर्टेन टाइम तो हमें कितना उसमें वर्क डन करना पड़ेगा। सो यू हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर कि कभी भी ऐसा कोई हमें सिचुएशन आता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर हमें स्टॉप करना है तो उस पर उतना ही वर्क डन होगा जितना काइनेटिक एनर्जी के साथ वो मूव कर रहा है, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एप्लीकेशन है, ठीक है? तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय।